अगर इस प्रकार का त्रिभुज, अगर इस प्रकार का भूमि या इस प्रकार का खेत आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नाम से आप जानते हैं वह नाम कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि इस प्रकार का अगर जमीन आपको मिल गया तो इसका रकबा आप कैसे बनाइएगा, मतलब कहने का है कि यह इस जमीन का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेगा, यह जमीन को हमको पता करना है कि यह जमीन कितना डिसमिल है, कितना एकड़ है। इसको पता करने के लिए हम एक सूत्र जानते हैं, और जो जिस सूत्र से निकलता है वो सूत्र लगा के इसको हल करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस जमीन को मापी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, वह मैं आज आपको मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। इस प्रकार का जमीन है, इसका क्षेत्रफल, इसका रकबा, इसको हम लोग मापी करके अभी हम बताएंगे कितना इसका डिसमिल है। यह जमीन जो है, यह जमीन आप देख रहे हैं, यह जमीन कितना डिसमिल है। जो आकार है इसका त्रिभुजाकार आकार का जो जमीन है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको अगर आप कहीं मापी करने गए होंगे या कहीं देखे होंगे तो आपको इस प्रकार का खेत भी मिला होगा या मिल सकता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, ठीक ना। देखिए, इसको मानेंगे ए, इसको बी, इसको सी, यह मानिए कि यह जमीन है, ठीक। यहां से यहां की दूरी जब मापी किए हम तो हमारा 310 कड़ी आया, 310 कड़ी हमारा आया। यहां से यहां की जो दूरी है वह मेरा 310 कड़ी आया, ठीक। फिर यहां से यहां की दूरी जब हम मापी किए तो हमारा आया 320 कड़ी, ठीक। और जब यहां से यहां मापी किए तो हमारा आया 300 कड़ी। इस प्रकार का इसका लंबाई है, यह त्रिभुज का मतलब ये जो त्रिभुज है यह विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का डिफिनेशन आपको भी पता है और सरल भाषा है इसका। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, जब तीनों भुजा जब बराबर नहीं होता है तो उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल पहले आपको निकालना होगा, पहले आपको लिखना है ए बराबर कितना है। तो ए बराबर मेरा 310 है, तो मैं 310 लिखा, कॉमा लगाया। बी बराबर कितना है, तो बी बराबर मेरा 320 है, तो 320 यहाँ मैं लिखा, यहाँ कॉमा लगाया। फिर सी बराबर कितना है, तो मेरा सी है 300, तो मैं यहाँ 300 लिखा। फिर इन लोग क्या करना है, इन लोग के आपको ये सूत्र लगाना है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी भागा दो, यानी कि ए के मान, बी के मान, सी के मान रखना है। ए के मान कितना है, 310 है, 310 यहाँ मैंने रख दिया हूँ। बी के मान कितना है, 320 है, 320 यहाँ रख दिया हूँ। सी के मान कितना है, 300 है, 300 मैं यहाँ रख दिया हूँ, और यहाँ भाग दो किया हूँ क्योंकि यहाँ मेरा सूत्र बता रहा है, ठीक। मेरा सूत्र बता रहा है और इस सूत्र पर मैं इसको बैठाया, मैं इसको फिर जोड़ा, जोड़ने के बाद 930 आया। 930 आने के बाद दूसरे में भाग दिए तो भाग देने पर मेरा 465 आया, ठीक। 465 आया, ये मेरा क्या आया, मेरा यह आया एस, यस आ गया। और हम लोग के पता है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √(s)(a)(s)-a)(s)-b)(s)-c। यह सूत्र पर जब हमने बैठाया, यह सूत्र s क्या होता है, s का मान कितना है, 465 है, तो 465 में यहाँ लिखा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, s-a, यानी कि इसमें से ये घटाना है, इसमें घटाना है, इसमें से यह घटाना है। घटाने के बाद जो भी आएगा मैं यहाँ लिखा हूँ, गुणा का चिन्ह इसलिए लगाया कि गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक। तो इसी प्रकार से एस माइनस बी किए, एस माइनस बी किए जो आया मेरा यहाँ आया, एस एस माइनस सी किए जो आया मेरा यहाँ आया। इस प्रकार से मैंने इसको निकाला, मतलब इसको बैठाया, और इसको बैठाने के बाद इसको कैलकुलेशन किया मैंने, इसको गुणा किया तीनों चारों के, चारों को गुणा करने दिया। गुणा करने के बाद इतना आया मेरा, इतना आने के बाद हमको यह चिन्ह को हटाना है, अंडर रूट को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल जब हम निकाले
मेरा आया 41,525 वर्ग कड़ी। तो आपको भी पता है कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है वह एक स्क्वायर में निकलता है, तो इसीलिए मैंने वर्ग कड़ी किया। एक स्क्वायर या वर्ग एक ही हुआ, एक स्क्वायर कड़ी कर लीजिए या वर्ग कड़ी कर लीजिए या कड़ी एक स्क्वायर बोल लीजिए, दोनों बात वही है तीनों। ठीक, तो यहाँ आने के बाद मैंने तो क्षेत्रफल निकाल दिया कि मेरा क्षेत्रफल इतना आया, लेकिन यह क्षेत्रफल को हम मेरा इतना वर्ग कड़ी आया 41,525 वर्ग कड़ी आया, इसको अब हम लोग चेंज करेंगे डिसमिल में। तो डिसमिल में चेंज करने के लिए मैंने आपको बहुत पहले से बताते आया हूँ कि एक डिसमिल में 1,000 वर्ग कड़ी होता है, और डिसमिल निकालने का सूत्र यह है, डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भागा 1,000। वर्ग कड़ी जो ऊपर है तो वर्ग कड़ी वर्ग कड़ी यहाँ है तो वर्ग कड़ी मेरा कितना यहाँ है, वर्ग कड़ी मेरा इतना है, तो वर्ग कड़ी मैं यहाँ लिख दिया हूँ 1,000 यहाँ, तो 1,000 यहाँ लिख दिया। भाग देने के बाद मेरे पास आया 41.52 आया, इतना मेरा डिसमिल आया या मेरा डिसमिल है। अब हम चेंज करेंगे कि एकड़ में, एकड़ में चेंज कैसे किया जाता है वह देख लीजिएगा। एकड़ में चेंज करने के लिए एक सूत्र है डिसमिल भागा 1,000, सॉरी डिसमिल भागा 100, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। ठीक ना, तो हम जब भाग देंगे यानी कि डिसमिल, डिसमिल मेरा कितना आया है, डिसमिल मेरा इतना है, डिसमिल यहाँ मैंने लिख दिया 100 है तो 100 यहाँ लिख दिया मैंने। मैं इसको जब भाग दिए तो भाग देने के बाद जो मेरा आया वह मेरा एकड़ आया, एकड़ मेरा कितना है 0.41525 मेरा इतना एकड़ आया है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब हम आपको बताए थे कि हेक्टेयर में भी कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊंगा, तो हेक्टेयर में भी कन्वर्ट मैंने कर दिया हूँ। हेक्टेयर निकालने के लिए डिसमिल भागा 247 करना होता है, तो डिसमिल मेरा कितना था 41.52 था, तो 41.52 यहाँ मैंने लिख दिया हूँ, और यहाँ 247 है, 247 से मैंने भाग दिया हूँ। तो भाग देने के बाद जो मेरा आया है यह मेरा हेक्टेयर आया है, यानी कि जो मैंने त्रिभुज बताया जिस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाला उसका अगर हेक्टेयर में देखिएगा तो हेक्टेयर में आपका 0.16811 आया। अगर आप उसी को लेकर एकड़ में देखिएगा कि उस जमीन का क्षेत्रफल एकड़ में कितना होगा, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ आना होगा। एकड़ बराबर कितना आया है 0.41525 आया है। अगर उसी को देखिएगा कि मेरा डिसमिल कितना आया है, डिसमिल आपका आया है 41.52 आया है, मतलब उस जमीन का क्षेत्रफल, उस जमीन का डिसमिल में आया आपका 41.52 और उसी जमीन का क्षेत्रफल आपका आया 41,525 वर्ग कड़ी। तो हमको उम्मीद है कि वह जमीन का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तीनों भुजें जब असमान है तो ही आप उसको उस सूत्र पर लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा, और मानस से जुड़ी हुई जानकारी मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।